ऑफिशियल ट्रेलर आ चुके हैं इंडिया का बिगेस्ट एक्शन ड्रामा कह रहे हैं जूनियर एनटीआर रामचरण अजय देवगन आलिया भट्ट एसएस रामामौली राजामौली जी की बड़ाई हुई फिल्म आ जाओ देखिए की है ट्रेलर च जब स्कॉट सर हां ये तो है गया नाइस नाइस जब स्कॉट सर अपने परिवार के साथ आदिलाबाद आए थे तो एक छोटी बच्ची को ले आए वो दरअसल गोंडों की बच्ची है तो उनके सर पे सींग होते हैं क्या एक गडरिया होता है शेर को पकड़ने के लिए शिकारी चाहिए मतलब तुम देख लो जिवें वो फिल्म्स ने केजीएफ हो गई बाहुबली हो गई मतलब फट्टी फिल्म मैन क्राउडेड फिल्म्स एक आदमी है सर से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो हमेशा होगी खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा यार क्या सेट बनाया गया है यार कितना सोने कलर ग्रेडिंग ओल्ड टच दिखाया गया उधर का शिट मैन क्या बात है सिनेमाटोग्राफी छोड़ के मत जा माँ की बहुत याद आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट से बगावत करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करता हूँ छुप छुप के डर डर के नहीं सामने से वार करना होगा जो भी रास्ते बहुत तगड़ी फिल्म होने वाली है यार मतलब एक गल तो पक्की है कि एक्चुअल बहुत तगड़ी एक्शन पैक्ड है तो देखो पीछे कुछ सुन गया लत वेरे मार रहे तो इतना तगड़ा फील आ रहा है ना साउंड देखो जी सामने से वार करना होगा जो भी रास्ते में आए उसे काट डालेंगे बहुत खतरा है जान गवा दोगे खुशी खुशी गवा दूंगा चाचा अपनी जंग ढूंढते हुए हथियार खुद ब खुद आएंगे इन तुच्छे राक्षसों को छोड़ महासुर का संहार करना है हा स्टार्टिंग शॉट सीगा बट
सीरियसली मैं कहूंगा साउथ बॉलीवुड पंजाबी इंडस्ट्री वो किससे तो भी बहुत अगे है, ठीक है। लिटरली उन्होंने अजय देवगन भी थोड़ा जहा बनाया, बाकी हम मेन स्टोरी की है बाद में पता लगेगा। अभी तक ये स्टोरी पता लगी है कि गोरिया के खिलाफ लड़ाई है, ठीक है। दो यार दोस्त थे, एक पुलिस गोरिया की फौज चा सॉरी पुलिस चा, तो एक बेचारा किसान या जो कह सकते थोड़ा उधरले पास वाला है जो आम इंसान है। सो पहले तो लड़ते आपस भी, ठीक है, तो यार टुटन लग गए, फिर देखता है कि नहीं यार ये काम खराब हो रहा, फिर इदा करके वह भी वो रल जाता। सो इस तरीके थोड़ी बेस्ड फिल्म आ देशभक्ति उत्ते फिल्म आ थोड़ी जी, तो कैंट फिल्म होगी, बहुत तगड़ा बजट है फिल्म का लिटरली, तो बहुत कैंट होएगा सच्ची। मैं कह रहा कि स्वाद आ जाएगा मतलब फिल्म देख के, क्या बात। आर 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 7 जनवरी 2022 राजामौली SS राजामौली आर आर आर। मतलब यार इस फिल्म का जो किसी को पता ना कि बजट कितना, मैं दस्यो मेरे हिसाब से ये फिल्म कर दो घट शॉर्ट ही 200 करोड़ तो उपर हुई है, 200-300 करोड़ तो उपर हुई है। कट देखो तुम VFX देखो लोकेशन देखो तुम उन्होंने कंप्लीट यार उन्होंने कहते हैं ट्रांसफॉर्म ही करता, पूरा पूरा सैट ही उन्होंने उस तरीके का क्रिएट करता गोरे वाले टाइम का, उस टाइम का क्या बात है। उस तो बाद कैमरा कलर्स यार डेप्थ देखो यार, तुम फिल्म देखो फिल्म देखा जाओगे ना तो पता लगेगा कि ये एडिटर का भी कितना वड्डा रोल है, कितनी शार्प फुटेज है, कितना क्या ही बात है यार, मैं क्या कहूँ, ठीक है। बाकी दैट्स ऑल, मैं तो जितनी मेरी रिएक्शन है सा।